से बाइक में, ठीक है। और भाई मार्केट में काफ़ी तरह के भाई एयर फिल्टर्स आते हैं, ठीक है। पहले एक बार इनको देख लो फिर आपको बताते हैं। तो देखो जैसे कि देखो मार्केट में दो तीन तरह के होते हैं। एक तो भाई ये जो फोम, ये जो पाइप है, ये आप सोचो कि भाई ये किस लिए है, ठीक है। ये देखो, देखो यहाँ पे आपको इनको ब्लैक एंड वाइट वाली आरसी दी गई है, मतलब कि ओरिजिनल आरसी भाई जो शोरूम वाले हैं उन्होंने इनको नहीं दी। ये देख लीजिए, तो वापस आ भी जाता हूँ, लेकिन तब भी भाई गाड़ी का जो इंजन है वो इतना गर्म नहीं हो पाता कि भाई इसका i3s वर्क करे। बोले जाते हो भाई कि हम भाई i3s भाई का प्रॉब्लम कर रहे हैं, एक वीक से ये प्रॉब्लम आ रही है भाई, चालू नहीं हो रहा है। और दूसरा एनओसी जो आई है 90 दिन करके रहते हैं शोरूम पे जाके, आप लोगों को भाई क्या पता चले। तो भाई अभी आपको बता देता हूँ भाई, हम लोग भाई आलसी ठहरे, ठीक है। अभी स्प्लेंडर में जो ये वाली i3s दी जाती है ना, ये काम नहीं करती भाई। मैं सच बताता हूँ, मेरे साथ अभी हुआ है, मतलब सर्दियों के टाइम पे। जैसे तो कैसे हो आप सभी? तो यार ये रही अपन लोगों की बाइक आज भाई। अपन लोग भाई सर्दियों में ना भाई बाइक में थोड़ी बहुत कमी बड़ी आती है, जिसको लेके भाई बात करने वाले हैं कि सर्दियों में आपको भाई हमारी जो ये स्प्लेंडर एक्सटैग, इसमें क्या आपको कमी बड़ी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और भाई दो तीन क्वेश्चन हैं उनके भाई क्वारी करने वाले हैं। एक भाई ने भाई हमको ये क्वेश्चन भाई पूछे थे, ठीक है। तो मैंने सोचा भाई क्यों ना उनका भाई रिप्लाई दे दिया जाए आज, ठीक है। तो देखिए भाई क्या रहता है कि अभी भी भाई लोग बोलते हैं कि जो स्प्लेंडर में जो ये वाली i3s दी जाती है ना, ये काम नहीं करती भाई। मैं सच बताता हूँ, मेरे साथ अभी हुआ है, मतलब सर्दियों के टाइम पे। जैसे अभी सर्दियाँ स्टार्ट नहीं है, बस जस्ट स्टार्ट ही होने वाली है समझ लो, ठीक है। सुबह शाम तो सर्दी हो ही जाती है, ठीक है। तो क्या है भाई, गाड़ी के जो ये i3s है ना, मैं आपको सच बताता हूँ, मेरा जो कॉलेज है, मतलब जो मेरा कॉलेज है घर से लगभग 4-5 किलोमीटर दूर बैठता है यहाँ से, ठीक है। 5-6 किलोमीटर मतलब रोज़ का आना जाना है मेरे घर से। तो भाई वहाँ पर मैं घर पे चला भी जाता हूँ, वापस आ भी जाता हूँ, लेकिन तब भी भाई गाड़ी का जो इंजन है वो इतना गर्म नहीं हो पाता कि भाई इसका i3s वर्क कर जाए, ठीक है। तो आप समझ सकते हो भाई इस बात को कि सर्दियों के टाइम में ये i3s इतनी जल्दी काम नहीं करेगा। और एक बात ध्यान रखिएगा, ये i3s तब प्रॉपर वर्क करेगा जब आपका जो ये इंजन है भाई, इसका जो तापमान है 75 डिग्री सेल्सियस, जानते हो, तो 75 डिग्री सेल्सियस से भाई अपर हो जाएगा, ठीक है। इतना गर्म होने पर भाई तब आपका भाई i3s प्रॉपर वर्क करेगा। अब भाई लोग मन में टेंशन रहती है, बोले जाते हो भाई कि हम भाई i3s भाई का प्रॉब्लम कर रहे हैं, एक वीक से ये प्रॉब्लम आ रही है भाई, चालू नहीं हो रहा है। और दूसरा आप ये ट्राई देखना कोशिश करके दूसरे या तीसरे गियर में बाइक को थोड़ा खींचो, ठीक है, कम से कम 1 किलोमीटर तक, ठीक है। तो बहुत जल्दी गर्म हो जाएगा इंजन और आपको पता चल जाएगा, ठीक है। जब ये इस तरह से भाई ऑन रहेगा तो भाई काम करेगा, और जब आपने ये ऑफ कर दिया ऐसे तो ये काम कैसे करेगा, ठीक है। तो इसको हमेशा यहाँ पे ऑन करके रखना, और फिर जब ये भाई i3s की वजह से बाइक बंद होने वाली होगी ना, न्यूट्रल कर देना, ठीक है। तो यहाँ पे भाई ब्लिंक होता है i3s का सिंबल, उससे पता चल जाएगा। अब दूसरा भाई इसका जो एयर, दूसरा भाई आप लोग भाई परेशान हो जाते हो, पूछते रहते हो कि भाई i3s जो ये बटन है भाई प्रॉपर वर्क क्यों नहीं करता। तो भाई सर्दियों में ऐसा चलता है कि इंजन है भाई प्रॉपर, अगर आप चलाओगे भी ना, मैं मतलब मैं 5-6 किलोमीटर अपने कॉलेज भी चला जाता हूँ, वापस भी आ जाता हूँ, तब भी इंजन इतना गर्म नहीं हो पाता, क्योंकि भाई चौथे तीसरे गियर में भाई खींच के ले जाता है आपको। भाई दूसरे तीसरे में रखो भाई, थोड़ा खींचो बाइक को, ठीक है, तो गर्म हो जाएगा प्रॉपर, भाई i3s वर्क करने लगेगा, ठीक है। और 100 डिग्री सेल्सियस पे तो भाई पानी भी उबाल मारने लगता है, तो भाई 75 डिग्री सेल्सियस पे तो भाई तब जाके वर्क करेगा। चाहे घबराने की जरूरत नहीं है भाई, सारे प्रॉपर सिस्टम जान लीजिए, ठीक है। एक तो ये था, दूसरा भाई आप बोलते हो भाई हमारी ये जो एक्सटैक है बेकार है, इसके बारे में कि ये माइलेज इतना नहीं देती है, मतलब कि 60-70 का बहुत कम दे रही है, 45-30 का माइलेज दे रही है। तो ऐसा क्या है, देखो क्या होता है, जैसे अपन लोग सांस लेते हैं वैसे भाई ये भी सांस लेती है, इसको भी भाई एयर फिल्टर की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद भाई इसका इंजन प्रॉपर वर्क करेगा, तब आपको माइलेज भाई निखार के देगी। और आवाज़ जो इसकी है भाई, जो इसका भाई साउंड आएगा ना असम एग्जॉस्ट का भाई, आपको वो भी भाई काफ़ी ज़्यादा स्वीट लगने लगेगा, ठीक है। तो उसके लिए आप अपन लोगों को क्या करते रहना भाई, देखो ये जो बाइक है ना, इसके भाई यहाँ पे एयर फिल्टर होता है, मैं आपको दिखाई देता हूँ एयर फिल्टर किस तरह से देखते हैं। देखो कुछ इस तरह से भाई बाई डिफ़ॉल्ट कंपनी से एयर फिल्टर प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। होता क्या है, चलते चलते भाई ये लगभग 3-4 महीनों में भाई गंदा हो जाता है बुरी तरह से, या तो इसको भाई साफ़ कर लो, और मेरी मानो तो साफ़ करना बेकार है, नया लगाओ तो ज़्यादा सही है भाई, सिस्टम नया रहेगा पूरी तरह से बाइक में, ठीक है। और भाई मार्केट में काफ़ी तरह के भाई एयर फिल्टर्स आते हैं, ठीक है। पहले एक बार इनको देख लो फिर आपको बताते हैं कि भाई क्या सिस्टम रहता है बाइक का सांस लेने का, जैसे अपन लोग लेते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे कि देखो मार्केट में दो तीन तरह के होते हैं। एक तो भाई ये जो फोम वाला आप देख पा रहे हो ना, जिसमें भाई क्या है, इसमें कुछ भी नहीं है, आप देख ही लो भाई अंदर पूरा फॉर्म ही फॉर्म है, ठीक है। इसको तो भाई इस तरह से भाई पानी वानी गीला करके सुखा के धूप में रख के, और फिर इसको भाई इसमें लगा के भाई कस दो यहाँ पे, ठीक है। दूसरा भाई इसके भाई एयर फिल्टर के, और जो तीसरे टाइप का जो एयर फिल्टर आता है वो कुछ इस टाइप का रहता है भाई, गोल गोल से डायरेक्ट आप इसके यहाँ पे जो दिया रहता है ये आप देख पा रहे हो, ठीक है, सांस लेने के लिए इसमें जो पाइप से दिया रहता है इसमें फिट कर सकते हो, ठीक है। तो भाई ये कुछ 3-4 टाइप के एयर फिल्टर्स रहते हैं जो इसमें हम अपन लोगों को फिट करने रहते हैं, ठीक है। तो इन चीज़ों पे भाई ध्यान रखना है अपन लोगों को, जब भाई बाइक का इंजन भाई सांस नहीं ले पाएगा अच्छे से, तो भाई कैसे आपको भाई माइलेज निखार के देगा, परफॉर्मेंस करके देगा, तो भाई ये रहने वाला है, ठीक है। तो इस चीज़ का भाई ख्याल रखिएगा, 3-4 महीने में इसको चेंज करवाते रहिएगा एयर फिल्टर को, ठीक है। और अगर गंदा हो जाए तो साफ़ कर लीजिए, ज़रूरी नहीं है चीज़ चेंज ही करवाते फिर, ठीक है। तो देखो जैसे कि आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, आपने अगर नोटिस करी हो, ठीक है, यहाँ पे देखो, ठीक है,
एक बार देखो ये जो ये वाला जो आप पाइप देख रहे हो, देखो मैं आपको दिखाता हूँ ये, ठीक है, ये जो पाइप है ये आप सोचोगे भाई ये किस लिए है, तो ये ब्रीथिंग पाइप बोला जाता है इसको, ठीक है। ये देखो देखो यहाँ पे आपको अच्छे से निकाल के दिखा रहा हूँ मैं ये भाई, आपने भी नोट, वैसे तो जो भाई बाइक वाइक चलाते हैं उनको भाई अच्छी नॉलेज होती है बाइक के बारे में हर व्यक्ति को, ठीक है। तो ये देखो ये जो ब्रीथिंग पाइप है, मतलब इससे ना इंजन जो है भाई, जो सांस है भाई वो बाहर से अंदर से बाहर लेता है, ठीक है। और जो ये देख रहे हो आप यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ से अंदर को चल के कुछ यहाँ पर जब आप इसको खोलोगे तो अंदर भाई लगा रहता है जो इसका एयर फिल्टर रहता है, जब वो निकाला जाएगा, ठीक है, तो वो क्या होता है जब सांस छोड़ता है तो जो भी भाई इसके अंदर जो पेट्रोल फूकता है, ठीक है, तो कार्बन वार्बन डाई जो भी छोड़ता है भाई, कण निकलते हैं कुछ उसमें इकट्ठे हो जाते हैं फिल्टर में और वो भाई ब्लॉक हो जाता है एक तरह से, तो उसका खुलना ज़रूरी है ताकि जब वो साफ़ हो और तब भाई अच्छे से भाई ब्रीथ कर पाए, और यहाँ से भाई अच्छे से भाई सांस लेता और छोड़ता भी, ठीक है। तो अब जब इंजन चालू हो तो कभी आप देखना भाई इससे भाई कितनी तेज़ आपको भाई हवा से निकलते हुए दिखाई देगा, तो ये चीज़ भाई अपन लोगों को करनी है। तो बस दोस्तों आज अपन लोगों को बस यही देखना था, मतलब सर्दी में आप परेशान मत रहिए। एक भाई का अभी भाई कमेंट आया था, मैं अभी अभी देख के आ रहा हूँ कि भाई एक वीक 5-6 दिनों से परेशान हो रहा हूँ, I3S वर्क नहीं कर रहा, तो चिंता मत करिए भाई, इंजन को थोड़ा हीटअप होने दीजिए 75 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, ठीक है, मतलब और जिस 100 डिग्री पर तो पानी उबल जाता है, तो उसके बाद भाई I3S प्रॉपर वर्क करेगा। मतलब मैं 5-6 किलोमीटर भाई इसे अपने कॉलेज वॉलेज जाके वापस भी आ जाता हूँ तब भी भाई इतना प्रॉपर भाई हीट नहीं कर पाता, इंजन गर्म नहीं हो पाता, तो इसको भाई टाइम लगता है, जैसे जैसे भाई इंजन अपने अकॉर्डिंग भाई कैपेसिटी पर पहुँचेगा हीटिंग पे ये वर्क करने लगेगा, तो टेंशन मत लीजिए भाई, I3S बिल्कुल सही रहेगा अपनी बाइक का। और दूसरा भाई इसका माइलेज प्रॉपर डाउन रहता है ना, तो आपको क्या करना है 3-4 महीने में, मुझे पता है भाई लोग खींचते रहते हैं और इस पर ध्यान नहीं देते, इसका एयर फिल्टर भाई नया खरीद लीजिए खुद से, कितने का रुपये का आएगा भाई, ज़्यादा से 150-250 को कुछ को मान लीजिए, ठीक है, तो इतने का एयर फिल्टर आएगा और वो लेके भाई चेंज करा लेना अपने को। इससे होगा क्या, एक तो भाई बाइक का जो इंजन है पेट्रोल फूकता है, ठीक है, वो कम फूकेगा, माइलेज अच्छी देगा, और दूसरा जो इसका जो एग्जॉस्ट है, ठीक है, तो उसका एग्जॉस्ट का साउंड भाई चेंज हो जाएगा, आपको काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस होगा, काफ़ी अच्छे सुनाई देगा, मतलब कि यहाँ से चेंज नहीं होने वाला, यहाँ से तो होता ही है, पर यहाँ से जब सांस लेगा ना तो यहाँ से कुछ और ही आवाज़ करेगी बाइक, ठीक है। तो ये चीज़ अपन लोगों को भाई सर्दियों में ध्यान रखनी है। तो दोस्तों ये रही आप लोगों के भाई प्यारे प्यारे कमेंट्स, ठीक है, तो मैंने सोचा आपको कमेंट भी दिखा देते हैं भाई। देखो किशन भाई हमने बाइक पर करवाई थी ना, तो ये रोहित भाई करके बोलते हैं कि आपके बाइक का भाई टैंक खराब हो जाता है, ठीक है, तो इसे लेमिनेशन नहीं करवानी चाहिए। भाई क्या राय है आपकी भाई, अपनी अपनी बता दीजिए, ठीक है। वैसे भाई 3-4-5-6 महीने में चेंज करवा लो, लेकिन अपन लोगों को भाई 1 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, अब भाई अपनी मॉडिफिकेशन जब भाई उतरवाएंगे लेमिनेशन पता चल जाएगा भाई क्या बदला। और भाई देखो क्या कह रहा है ये युवराज भाई है, मतलब सॉरी भी, ठीक है, तो भाई ये युवराज भाई देखो कह रहे हैं पेट्रोल ख़त्म हो जाने पर चालू करने पर कुछ भी ख़राब भी हो सकता है, मतलब कि तो पेट्रोल इसमें होनी ही चाहिए आपके, ठीक है। और भाई देखो ये क्या कह रहा है, ये बाइक मेरा भी है और हमको मीटर खोलकर बाइक चलाने वीडियो चाहिए, तो भाई इसके लिए आपको भाई मैकेनिकल भाई वीडियो देखनी पड़ेगी, ठीक है, आप यूट्यूब पे देख लो आपको मिल जाएगी, नहीं तो चैनल पर भाई कभी हुआ ऐसा तो भाई दिखा सकते हैं। भाई देखो ये क्या है, ये कौन से भाई बोल रहे हैं हमसे, ये कह रहे हैं सुविधा नेट ऑटो भाई कह रहे हैं मैंने भाई स्प्लेंडर एक्सटेक ली है, अभी तक भाई 100 किलोमीटर चली है, लेकिन 55 के ऊपर हल्की सी वाइब्रेशन फील होती है और बाकी भाई बहुत अच्छा है भाई, चलने में बहुत अच्छी है भाई बहुत अच्छा है भाई, एक पॉजिटिव कमेंट देखने को मिला है भाई, ठीक है। तो भाई एक ये भाई है भाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट कमेंट है, ठीक है, इन भाई का भी कमेंट ज़रूर देखिएगा आप। तो देखो ये भाई क्या है, इनका नाम है भाई, इनको भाई मैंने इतने रिप्लाई दिए हैं, तो देखो इनसे मेरी कितनी बात हुई है, ठीक है। असल में भाई ये अनुप चौधरी करके भाई इन्होंने कुछ पूछा था, ठीक है, RC में 45 दिन लगता है, तो इन्होंने भाई अभी आके बिल्कुल लेटेस्ट में भाई इन्होंने पूछा भाई मुझे RC मिली है, उस पर भाई ओरिजिनल जो थे सिग्नेचर भी नहीं थे भाई जो अथॉरिटी के रहते हैं, ठीक है, और ना ही भाई वो कलरफुल थी, मतलब कि इनको ब्लैक एंड वाइट वाली RC दी गई है, मतलब कि ओरिजिनल RC भाई जो शोरूम वाले हैं उन्होंने इनको नहीं दी। ये देख लीजिए ये भाई हैं VIP T करके, ठीक है, VIP T करके, तो ये पूछ रहे हैं भाई, ओके ब्रदर भाई कल जानकारी सब लेंगे। तो देखो भाई डिस्क्लेमर बाइक नो रजिस्ट्रेशन बाइक नो नंबर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो भाई इनको ऐसा लग रहा है जैसे कि फेक RC दी गई हो भाई कंपनी की तरफ से, ठीक है। और भाई को भाई मैंने रिप्लाई दिया था, आप भाई देखते हैं ये भाई क्या अपडेट देते हैं, तो इस तरह की भाई चीज़ों पर ध्यान दीजिए करिए, जो बाइक के साथ आपको पकड़ा देते हैं, ऐसा नहीं है कि पकड़ लिया भाई लॉलीपॉप की तरह, आपको ध्यान देना है कि वो भाई ओरिजिनल है प्रोडक्ट या नहीं है। भाई चैनल पर वीडियो है उसकी RC के लेकर भाई किस तरह की दिखती है कि ओरिजिनल कैसी रहती है वो आप देख लीजिएगा।
और भी प्यारे प्यारे कमेंट्स थे, ठीक है भाई, मेल फंक्शन लाइट्स ऑन क्यों रहता है भाई, इतना कुछ भी पूछते हो आप लोग, ठीक है। तो भाई ज़्यादा कमेंट्स बढ़ जाएंगे तो बाद में रीड करेंगे। चलो हाँ भाई, आप लोगों ने भाई पूछा था जो इसकी एनओसी वेनओसी जो आई है 90 दिन में करके रहते हैं शोरूम पे जाके आप लोगों को भाई क्या पता चले, तो भाई अभी आपको बता देता हूँ भाई, हम लोग भाई आलसी ठहरे, ठीक है, अभी तक भाई शोरूम पे गए नहीं, अभी 90 दिन भाई 2-3 महीने पक्के हमारे पास, ठीक है। तो बीच में हम कभी जाएंगे ना तो आपको भाई प्रॉपर अपडेट मिल जाएगी, आप चिंता मत करिए। मैं सोचिएगा कि भाई आप बस हमने बोल दिया और बस छोड़ दिया और आपको भाई कोई अपडेट नहीं थी, अपडेट देंगे। अभी भाई वो घर पे ही रखा हुआ है जो भाई एनओसी आई थी हमारे को इसकी ईएमआई कंप्लीट होने पे, ठीक है। तो उसके बारे में अपडेट देंगे, वो आपको भाई पता चलता जाएगा, ठीक है। जब भी हम कभी जाएंगे आपको तुरंत भाई या तो इंस्टाग्राम पे बता देंगे पहले या कम्युनिटी पोस्ट के जरिए, फिर आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी चैनल पे, ठीक है। तो बस दोस्तों यही दोनों चीज़ें आप लोगों से डिस्कस करनी थी, ठीक है। और भाई मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।